AKTU के सभी स्टूडेंट्स से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि न्यूज़पेपर्स की AKTU से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पर आप बहुत ज़्यादा ध्यान और यकीन ना करें। यह आपकी स्क्रीन पर इस वक्त 21 जून का एक न्यूज़ आर्टिकल है और यहाँ पर मैं आपका ध्यान ले जाना चाहूँगा। एक लाइन यहाँ पर लिखी हुई है, देखिए ये मैं पॉइंट आउट कर रहा हूँ, 26 बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज इस वक्त क्वारंटाइन सेंटर बने हुए हैं। इसी न्यूज़पेपर के द्वारा कुछ दिन पहले एक इन्फॉर्मेशन डाली गई थी और ज़्यादा दिन का अंतर नहीं है दोस्तों, मात्र 10 दिन का अंतर है। और यहाँ पर मैं आपका ध्यान ले जाना चाहूँगा, 100 से अधिक इंजीनियरिंग कॉलेज इस वक्त क्वारंटाइन सेंटर है। इसका अर्थ तो ये हुआ कि मात्र 10 दिन के अंदर 74 इंजीनियरिंग कॉलेजेस में क्वारंटाइन सेंटर जो था वो ख़त्म हो गया। क्या ये संभव है, क्या ये पॉसिबल है? इसलिए मैंने ये वीडियो बनाने का निर्णय लिया है कि आप लोग अपने फोकस को बिल्कुल ना खोएं, आप अपना फोकस अपनी पढ़ाई में रखें। ये सब चीज़ें हैं, 3-4 दिन के अंदर ये सब क्लियर हो जाएगा, 3-4 दिन से ज़्यादा वक्त इसमें नहीं लगेगा। लेकिन इस बीच में आप लोग अपना माइंड सेट बिल्कुल ना ख़राब करें। एक इस वीडियो के माध्यम से मेरी एक आप सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि आप सब अलग अलग कॉलेजेस से ताल्लुक़ रखते हैं AKTU के, और ये जो न्यूज़ की और वास्तविकता से ये न्यूज़ की ये जो इन्फॉर्मेशन है ये कितनी दूर है या कितनी पास है, इसका क्लैरिफिकेशन कोई और नहीं कर सकता, सिर्फ आप कर सकते हैं। और इस चैनल के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से मैं ये कैलकुलेशन आप सभी के सामने रखवाना चाहता हूँ। आप जिस भी कॉलेज से हैं उस कॉलेज का नाम, और क्या वो क्वारंटाइन सेंटर है आपके, तो क्योंकि आप कॉन्टैक्ट में होंगे अपने कॉलेज के, तो वो कॉलेज इस वक्त क्वारंटाइन सेंटर है या नहीं, ये बात आप वीडियो के नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। इससे हम जब पूरी हमारे पास एनालिसिस हो जाएगी तो आप वीडियो के नीचे कमेंट में देख करके अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नंबर ऑफ़ कॉलेजेस कितने हैं जो कि वास्तव में क्वारंटाइन सेंटर हैं, 26 हैं, 100 हैं या कोई अलग ही फिगर है। तो इसके लिए दोस्तों मुझे आप सभी का साथ चाहिए और ये वीडियो सभी के लिए है ताकि सभी के सामने एक सही पिक्चर आ सके। न्यूज़ आर्टिकल्स के द्वारा बहुत ही कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट्स आती हैं जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन बच्चों के बीच में फैल जाता है। ये कंफ्यूजन हमें दूर करना है, नंबर वन। नंबर टू, आप जैसा कि मैंने पहले भी बताया, आप सिर्फ एक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन पर यकीन करें और वो है AKTU की ऑफिशियल वेबसाइट। AKTU की ऑफिशियल वेबसाइट के अलावा किसी और प्लेटफॉर्म पर यकीन करने की ज़रूरत आपको नहीं है। हाँ, एक माहौल ज़रूर पता चल जाता है न्यूज़ आर्टिकल्स से, तो मैं ये नहीं कह रहा आप न्यूज़ आर्टिकल ना पढ़ें, आप पढ़ें लेकिन उस पर बहुत ज़्यादा यकीन ना करें। तो दोस्तों एक साफ पिक्चर हमारे सामने आ जाएगी। आप वीडियो के नीचे जाइए, कमेंट करिए अपना कॉलेज का नाम और उसका स्टेटस क्वारंटाइन सेंटर है या नहीं, और फिर देखिए दोस्तों मात्र 24 घंटे के अंदर आपके सामने पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी कि इस वक्त कितनी संभावनाएं हैं एग्ज़ाम कंडक्ट होने की और कितनी नहीं। इसके लिए आपको किसी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ आप लोगों के आपस के इंटरेक्शन की वजह से, आप लोगों की आपस की इंफॉर्मेशन की वजह से, अपने अपने रेस्पेक्टिव कॉलेज के लिए आपकी क्या इंफॉर्मेशन आपके पास है उससे सारी तस्वीर साफ हो जाएगी। तो आपको किसी भी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया। और यहाँ पर मैं बता देना चाहूँगा कि करीब एक हफ्ते बाद अगर नंबर ऑफ़ क्वारंटाइन सेंटर्स घटते हैं, एक हफ्ते बाद हम दोबारा ऐसी ही वीडियो बनाएंगे, अगर एक हफ्ते के अंदर नंबर ऑफ़ क्वारंटाइन सेंटर्स घटते हैं तो आप ये बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि AKTU एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगा। और अगर क्वारंटाइन सेंटर्स की संख्या नहीं घटती है, उतनी ही रहती है, तो ऐसी परिस्थिति में एग्ज़ाम कंडक्ट कराने की भी संभावनाएं काफ़ी कम हो जाती हैं। और इससे ये भी पता चलता है कि एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाने की तरफ कोई कदम भी नहीं उठाया जा रहा है क्योंकि नंबर ऑफ़ क्वारंटाइन सेंटर्स नहीं घट रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में और एक हफ्ते बाद की नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों अपना फुल सपोर्ट दीजिए और मुझे बताइए आपके कॉलेज का क्या स्टेटस है। आपको ये वीडियो पसंद आई है तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और मेरी तरफ से आप सभी को ऑल द बेस्ट। फोकस रखिए दोस्तों अपनी पढ़ाई पर।